Dear students, myself Dr. Avdesh Gupta, Associate Professor, IMS Engineering College, Ghaziabad. So basically, आज हम पढ़ने वाले हैं एक subject image processing के अंदर unit 5 का topic image recognition. और उसके अंदर एक छोटा सा numerical भी हम solve करेंगे और ये समझेंगे what do you mean by representation and image description. तो first सबसे पहले हमारे mind में आता है कि जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया कि इमेज रिकॉग्निशन क्या है, तो हमें इमेज रिकॉग्निशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए. तो व्हाट डू यू मीन बाय इमेज रिकॉग्निशन? इमेज रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिटेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट और अ फीचर इन अ डिजिटल इमेज और यू कैन से इन अ वीडियो. एंड दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस लाइक फैक्ट्री ऑटोमेशन, लाइक सिक्योरिटी सर्वेलांसेस एक्सेट्रा. तो सबसे पहले फिर इसके पार्ट आ जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें रिकॉग्निशन में पार्ट पढ़ा कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज. तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, वन बाय वन देखते हैं और उसके बाद इनको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेशन. बेसिकली रिप्रेजेंटेशन इज टू रिप्रेजेंट द इमेज, दैट इज इन टू वेज. द वन इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इट्स बाउंड्री एंड बेस्ड ऑन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इट्स रीजन. बाउंड्री कंटेन द एक्सटर्नल the outline of the image and the internal characteristics what it consists within the boundary. Us boundary ke andar kya hai wo cheez hai, like jaise uska color kya hai, uske andar koi text hai to text kya hai, uska texture kya hai, etc. aur dusra aata hai description. So description ko samajhte hain. Description ke andar kya cheez aayengi? Description describe the reason based on the selected representation. Kyunki humne representation mein ke liye boundary aur description mein ke liye हमारे उसके आ जाते हैं लेंथ, ओरिएंटेशन और उसकी भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, चाहे स्टैटिस्टिकल मेजर्स हो, तो वो सारी चीजें आ जाती है डिस्क्रिप्शन के अंदर. क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि बाउंड्री हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. तो देखते हैं बाउंड्री बॉर्डर फॉलोइंग क्या चीज होती है. ऑर्डर सिक्वेंस ऑफ पॉइंट. ऑर्डर सिक्वेंस ऑफ पॉइंट, क्योंकि हम जब इमेज को हम डिफाइन करते हो तो इमेज इज द कलेक्शन ऑफ सम टू डायमेंशनल एरे, जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास कुछ पिक्सल्स हैं. तो इमेज को हम पिक्सल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसे एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इमेज में क्या पिक्सल्स हैं. ये आप लोगों ने यूनिट 1 में आपने पढ़ा होगा. तो समझते हैं क्या, जनरली जब भी हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि हमें अपनी बाउंड्री एनालिसिस या बाउंड्री को हम आइडेंटिफाई करना है, तो उसके अंदर एक एल्गोरिथम आती है, बूरे बाउंड्री एल्गोरिथम. और दूसरी टेक्निक होगी हमारी चेन टूल. तो सबसे पहले हम बूरे बाउंड्री ट्रैकिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे क्या है. तो लेट स्टार्ट द B0. इस चीज को हम एल्गोरिथम रीड नहीं करेंगे, एल्गोरिथम के साथ साथ हम इसको एक सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन लेकर. जैसे हमने पढ़ा कि लेट द स्टार्टिंग पॉइंट B0, द अपर मोस्ट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इन द इमेज दैट इज लेबल्ड 1. जहां पर मेरे को अपर और लेफ्ट में 1 मिलेगा, उसके ऊपर वाला पॉइंट कॉर्नर वाला पॉइंट होगा, उसको हम बोलेंगे B0. देखिए कुछ इस तरह से, जैसे मैंने लिखा अपर मोस्ट, अपर मोस्ट में ये आता है, लेफ्ट मोस्ट में ये आ गया, तो इसके कॉर्नर पे हमारा ये वाला पॉइंट आया. ये तो इस पॉइंट को हमने क्या लिया, C0, इसको हमने B0 कंसीडर किया है. क्लियर? तो इसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट B0 लिया, उसको हमने डिनोटेड बाय C0, जहां पर लेवल 1 के बराबर, उसे हमने C0 लिया. अब C0 टू द वेस्ट नेबर ऑफ B0, ये वेस्ट है, वेस्ट में यानी कि लेफ्ट में गया. उसके बाद है क्लियरली C0 ऑलवेज बी द बैकग्राउंड पॉइंट, बैकग्राउंड पॉइंट की तरह कंसीडर होगा. अब 8 नेबर का यूज करके हमें B0 से स्टार्ट करना है, B0 को कंसीडर करके C0 से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे इसके पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं कैसे. अगर मेरे पास ये C0 ये B0 है, तो इसके राइट साइड में मैंने देखा 1 मिला, तो 1 मिला तो मैंने इसको क्या कंसीडर कर लिया, ये मिली 1 मिला, मैंने इस C0 को यहां पे रखा, यानी कि B0 यहां, C0 यहां. लेकिन जैसे B0 C0 हो जाते हैं, तो B0 को हम B मान के चलेंगे और C0 को हमने C मान लिया. क्लियर? तो ये B0 और C हो गया. इसके बाद फिर हम इसके बाद वाले पॉइंट पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, फिर ये B हो जाएगा और ये हमारे लिए आगे वाला पॉइंट कंसिडर हो जाएगा. यहाँ पर एक अलग अगला पॉइंट आ जाएगा जिसे हम C डिनोट कर रहे हैं. तो हम अब क्या करेंगे, जब हमने इसको B डिनोट कर लिया, ये वाला B है, तो B से पहले जहाँ पर B0 मिला था उसको हमने शेड कर दिया, क्योंकि मेरे को बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करनी है. और धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जहां पर बी होगा, क्योंकि तो बी मेरा आगे मूव कर रहा है, उसको हम शेड करते चले जाएंगे. अब देखो, अब आप कहेंगे शेड करते हुए हम यहाँ पर आ गए, बिल्कुल ठीक. तो हमें इसके बाद तो हमें नीचे भी तो जाना है, यहाँ पर जाएंगे ना, उसके बाद हम ये नीचे डायरेक्शन में जाएंगे, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और स्टॉप कर देंगे यहाँ पर आकर.
तो ये हमारे सारे वन यानी कि ये हमारी इसकी बाउंड्री आ जाएगी, और बाउंड्री एक्सट्रैक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो वही है कि हम ये चीजें ले लेते हैं कि वी जीरो को हम बी वन मानेंगे, सी को सी वन मान के हम एट नेबर प्रॉब्लम से सॉल्व करके इस चीजों को पूरा एनालिसिस हम कर सकते हैं। ये हमारा एक बाउंड्री आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इस चीज को हम चेन कोड के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं फ्रीमैन चेन कोड। तो फ्रीमैन चेन कोड को सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। लेट्स टेक कि हम एक जैसे ये मैंने कुछ एक एग्जांपल्स आपको वैसे शो किए हुए हैं कि हमारा बाउंड्री हम इस तरह से शो करते हैं, तो उसको हम चेन कोड के थ्रू भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हमारे पास बनाने के लिए मेथड आता है ये वाले, ये वाला ये मेथड है। तो एक छोटे से एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि किस तरह से फिर इसको हम सॉल्व भी करेंगे। जैसे हमारे पास इस तरह से है, तो ये जीरो मान के चलते हैं, इसे वन मान के चलते हैं, ये हमारे लिए टू है और ये थ्री है। फोर में अगर हम इसी को एट में मान के चलें तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, इस तरह से। क्लियर? अब जैसे ऑर्डर ऑफ फोर है और ये हमारे सारे के सारे हमारे फोर ऑर्डर में, यानी कि हमारे पास फोर नेबर का यूज करके हमने इन चीजों को बनाया। अब उसमें देखेंगे हम शेप नंबर और डिफरेंसेस हम कैसे लिखते हैं, उस चीजों को भी समझेंगे। देखते हैं ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा होगा, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट को हम चेंज कर देंगे तो हमारा चेन कोड डिफरेंस अलग अलग आ जाएगा। तो जनरली हम जो हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं वो टॉप मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को भी हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। इसलिए हमने ये चीज ली, इससे हम सबसे पहले यहाँ पर गए, तो इसको हम क्या रीड करते हैं, इधर गए तो जीरो, तो हमने जीरो लिख दिया। उसके बाद हम कहाँ पर गए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्री, तो मैंने उसको थ्री लिख दिया। उसके बाद हम कहाँ पर गए? लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हम कहाँ गए? जिसे टू बोलते हैं, हमने टू लिख दिया। उसके बाद फिर टॉप में गए तो उसको हमने वन लिख दिया। क्लियर? ये चीज हो गई। अब डिफरेंसेस हम कैसे लिखते हैं? हम सबसे पहले जीरो से मेरे को थ्री पर जाना है, जीरो से थ्री पर जाना है, तो जीरो वन टू थ्री से जाएंगे, तो हमने काउंट किया जीरो से वन टू थ्री, यानी कि मेरे को तीन 90 डिग्री के एंगल को रोटेट करना पड़ेगा तब हम थ्री पर जाएंगे, यानी कि वन टू एंड थ्री। तो मैंने इसको डिफरेंस में थ्री लिखा। थ्री से टू पर जाने के लिए, यानी कि इससे यहां पर जाने के लिए, देखो लेफ्ट में नहीं जाएंगे हम कभी भी, हमेशा हम राइट में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो थ्री से वन टू थ्री, तो मैंने फिर से थ्री लिख दिया, थ्री से टू। अब टू से वन पर, टू से वन पर, तो फिर वन टू थ्री, फिर थ्री लिखा। और वन से, अब क्योंकि वन से कुछ भी नहीं है तो वन के बाद ये जीरो जाएगा, जो लास्ट का होगा, लास्ट से हमें फर्स्ट वाले पे जाना है। तो वन से जीरो, वन से जीरो पर जाने के लिए वन टू थ्री, तो इसलिए थ्री आ गया। क्लियर? शेप नंबर, शेप नंबर के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, इसमें आप सर्च करो जीरो, अगर कहीं जीरो मिलता है तो जीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है तो शेप नंबर वही हो जाएगा जो हमारे डिफरेंस है। इसमें हमारा चेंज हो जाता है, देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये भी है और एक पॉइंट ये भी है। तो पहले हम इस डायरेक्शन में गए, इसे हमने क्या लिखा? जीरो। हम इस डायरेक्शन में गए तो हमने लिखा जीरो, इस डायरेक्शन में गए तो हमने लिखा थ्री, क्योंकि नीचे वाले डायरेक्शन थ्री है। लेफ्ट में गए तो टू, अगेन फिर लेफ्ट में गए तो हमने टू, देन अप, तो अप में गए तो इसे हमने लिखा वन। डिफरेंस भाई जीरो से जीरो तक जाने में कितना टाइम लगेगा, उन चीजों को देखना है इन डिफरेंसेस के थ्रू। देखो अब जीरो से जीरो जाएंगे तो कुछ नहीं लगेगा ना, क्योंकि मेरे को तो वो जीरो से जीरो पर तो जीरो ही आ जाएगा। हम देखेंगे जीरो से थ्री पर जाने में कितना टाइम लगा, जीरो से थ्री पर जाने में, तो जीरो से थ्री पर जाने में वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो थ्री लगा, मैंने थ्री लिख दिया जीरो से थ्री पर जाने में। ये शायद कुछ मिस्टेक है इसमें, यहाँ पर जीरो आएगा, इसे बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं, देखते क्या आएगा। पहले क्या है, जीरो से जीरो तो जीरो आया, जीरो से थ्री थ्री आया, थ्री से टू, थ्री से टू थ्री आएगा, टू से टू, यहां से इसी पर जाना है तो जीरो आएगा, टू से वन थ्री आएगा, और वन से जीरो थ्री आएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम इसका चेन कोड, जहां पर भी आपको जीरो मिला है वहीं से, अब जीरो यहीं से मिला तो जीरो यहीं से मिला, तो हम सेम चेन कोड नीचे बन जाएगा, यानी कि क्या, जीरो थ्री थ्री, जीरो थ्री थ्री
ये बन जाएगा, ठीक है, तो सेम चेन कोड बन जाएगा। इन चीजों को हम जरा इन एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं और हम अलग से दूसरी शीट पर हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया रहे कि किस तरह से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया डायग्राम कुछ इस तरह से, देखो मैंने एक डायग्राम अपनी तरफ से बनाया है डायग्राम और इस पर हम चेन कोड वगैरह सारी चीजें सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट बना लेते हैं, अपने कुछ पॉइंट बना लेते हैं कि हमारे पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। ये है पॉइंट एक, एक ये है पॉइंट, ड्रॉ कुछ पॉइंट बना के, एक ये है कहाँ से बनाएंगे पॉइंट, हम इसे बनाते हैं, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, एक ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, ये है, ये है, हमने इनके पॉइंट बना दिए, ठीक है, ये इनके पॉइंट है। अब देखते हैं, मेरे को सबसे पहले चेन कोड बनाना है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली यहां से चलेंगे, तो हमें चेन कोड बनाने के लिए पहले हम इसका फोर वाला हम बना के रख लेते हैं यहीं पर नीचे, दो यहाँ पर बना लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसको हम लिखते हैं जीरो, इसे लिखते हैं वन, ये होता है हमारे लिए टू और ये होता है हमारे लिए थ्री। आप देखते हैं चेन कोड किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम कहाँ पर है, यहाँ पर हैं, तो ये इस डायरेक्शन में गया तो जीरो हो गया, उसके फिर हम कहाँ पर गए, नीचे गए एक पॉइंट तो थ्री है, फिर नीचे गए तो फिर थ्री आया, फिर यहाँ पर गए तो ये जीरो आया, फिर इसके पास जीरो है, इसके बाद फिर से जीरो, तीन बार जीरो आया, फिर नीचे गए तो थ्री आया, उसके बाद फिर वन टू थ्री फोर टाइम्स लेफ्ट में गए, यानी कि टू 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 फोर टाइम्स टू, फिर वन टू थ्री टाइम्स टॉप में गए, यानी कि वन वन वन, यही होगी हमारी चेन कोड। अब क्या है हमारे लिए, हम इसका डिफरेंस रखते हैं, इस डिफरेंस को हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं इसको फर्स्ट डिफरेंस, कुछ बोलते हैं सिर्फ डिफरेंस, तो बेसिकली क्या डिफरेंस, हमें डिफरेंस बनाना है, डिफरेंस किस तरह से लिखेंगे, हम इस वन पर हैं जैसे जीरो पर हैं, तो जीरो से थ्री पर जाने के लिए मेरे को कितने, मेरे को 90 डिग्री के एंगल कितने पार करने पड़ेंगे, तो वन टू थ्री, तो मेरा डिफरेंस आया थ्री, थ्री से थ्री पर जीरो, देखो थ्री से थ्री पर तो जीरो लगेंगे, थ्री से थ्री पर, अब आया थ्री से जीरो पर, थ्री से जीरो पर क्योंकि इधर जाना है, थ्री से जीरो पर लगा वन, अब आया जीरो से जीरो, देन जीरो से जीरो, जीरो जीरो, देन जीरो से थ्री लगेगा वन टू थ्री, देन थ्री से थ्री जीरो, देन थ्री से टू थ्री, देन टू से टू जीरो, टू से टू जीरो, टू से टू जीरो, टू से वन थ्री, देखो टू से वन यानी कि वन टू थ्री है ना, वन से वन जीरो, वन से वन जीरो, और वन से अब हम किस तरफ जाएंगे, राइट में वन से जीरो पर थ्री आएगा, कहां से, इस वन से इस जीरो पर वन टू थ्री, तो थ्री आएगा। अब क्या हमारे पास डिफरेंस लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं जो लास्ट में हमारा बनता है उसको हम लिखते हैं शेप नंबर, तो अब हमारे लिए जहां पे भी पहला जीरो मिला, यहां पर भी मेरे को ये जीरो मिला, तो यहां से स्टार्ट करो, जीरो वन जीरो जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो 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 टू जीरो जीरो थ्री, और जो बचा हुआ पॉइंट था, जो भी बचा हुआ पॉइंट है वो आगे लिख दो, जीरो से स्टार्ट करना, जहां पर भी जीरो मिल जाए, अगर सपोज यहां पर थ्री टू वन होता तो यहां पर जो भी होता उस जीरो से स्टार्ट करना, जो पहला जीरो मिल जाए उससे लिखना है और बाद वाला हमें इस तरफ रखना है, तो इस तरह से हमारा शेप नंबर भी बन जाता है।
तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में भी आता है, इस क्वेश्चन को आप घर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हुए भी हैं, मैं ओपन करता हूँ, ये है कुछ एग्जाम्पल, आप इनको प्रैक्टिस करो। देखो छोटे से एग्जाम्पल एक और हम कंसिडर करते हैं, जैसे ये है ऑर्डर 8 का है, यहाँ पर है, तो पहले इस डायरेक्शन में गए तो हमारे लिए 0 आया, इस डायरेक्शन में गए तो 3 आया, इस डायरेक्शन में फिर से 0 है, इस डायरेक्शन में 3 है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में डबल वन 2 है तो 2 2, देन 1 1, तो 1 1 आ गया। अब जब हम डिफरेंस देखेंगे तो 0 से 3 पर जाने में कितना डिफरेंस लगेगा, अगर हम इस तरह से देखेंगे तो 0 1 2 3 है, तो 0 से 3 जाने में 3 लिख देते हैं, 0 1 2 3, 0 से 3, 3 से 0 जाने में, 3 से 0 जाने में 1, तो 1 लगेगा। ये पहला वाला कहाँ है, 0 से 3, देन 3 से 0, 1 लगेगा, तो ये नहीं है यहाँ पर, 3 देन 1, 0 से 3, 3 से 0, फिर देन 0 से 3, 3, देन 3 से 2, 3, देन 2 से 2, 0, देन 2 से 1, 2 से 1 तक, 3, देन 1 से 1, 0, एंड 1 से 0 भी आपको लिखना पड़ेगा, वो हमारे लिए आ जाएगा 3, क्लियर। अब इसमें जहां से 0 शुरू हो रहा है वहां से लेंगे, 0 कहां से शुरू हो रहा है, यहां से 0 शुरू हो रहा है, तो ये नंबर हम पहले लिखेंगे 0303, ठीक है, समझ में आ गया, और ये 3133 हमने इसके बाद लिख दिया, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्लियर, ये इसमें यहाँ पर हमें प्रिंट है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया। अब दूसरा आता है, ये तो हमारा हो गया 4 नंबर के थ्रू, हम इसके बाद अगर आपकी इमेज में कुछ इस तरह से है कि इमेज आपकी इस तरह से है, फिर ऐसे है, फिर ये इस तरह से है, फिर इस तरह से भी है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर उसके बाद इस तरह से है, तो इमेज आपकी किसी भी एंगल पे, तो इमेज हम इसे 8 नेबर के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो छोटा सा एग्जाम्पल 8 नेबर प्रॉब्लम के थ्रू भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, हम इसे रब कर देते हैं और 8 के थ्रू हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम एक छोटी सी एक इमेज बना लेते हैं, इमेज इस बार हम थोड़ी छोटी बनाएंगे क्योंकि ज्यादा बड़ी इमेज से कोई फायदा नहीं है, ये बनाई हमने इमेज, उसके बाद ये है, ये सिंगल सिंगल पिक्सल के लिए है, ठीक है, उसके बाद हमने फिर ये लिया, देन ये है, देन ये है, देन ये है, देन ये है, एंड देन ये है, हमने इस तरह से एक छोटी सी इमेज ले ली और इसको हम अब 8, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर डायगोनल भी आ रहे हैं तो इसे हम 8 के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, दिस इज, ये हमने हॉरिजॉन्टली बना ली, वर्टिकली बना लिया और डायगोनली भी बना लिया, ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं, तो ये माली रहेगा 0, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6 और ये हो जाएगा 7। अब देखते हैं हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम बनाते हैं इसका, स्टार्ट करते हैं हम इस पिक्सल से, क्लियर, तो इस पिक्सल से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास हम पिक्सल्स कहाँ कहाँ पर हम वो भी बना देते हैं, जहाँ जहाँ पर पिक्सल्स हैं, 1 pixel, 2 pixel, 3 4 5 6 7 8 9, बस ये पिक्सल्स हैं हमारे लिए। तो अब देखते हैं चेन कोड, सॉरी इसे जरा रब कर दें, अब बनाते हैं जरा बनाते हैं, कैसे स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से लेना है, मैं इधर हॉरिजॉन्टली गया राइट में, तो ये 2 बार 1 और 1 दो बार मूव हुआ ना, तो इधर क्या लिखते हैं हम 0 एंड देन 0, उस बार क्या है डायगोनली है नीचे इधर की तरफ, तो जिसे हम 7 बोलते हैं, 7 की तरफ है, ठीक है,
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये हमारी 0 0, तो ये हमारी अब आएगा 7। समझ में आ गया, बस हमें बस यही नंबर हमें ध्यान रखना है, ये नंबर कौन से हैं, ठीक है, 7। उसके बाद फिर क्या, फिर हम 0 की तरफ गए, फिर लेफ्ट में यानी कि 5 वाली डायरेक्शन हमने कंसीडर की है, उसके बाद हमने 4 वाली डायरेक्शन कंसीडर की है, देन 4 के बाद अब ऊपर गए हैं, ये हमारी 3 है, हमने 3 वाली डायरेक्शन कंसीडर की, देन 4 वाली डायरेक्शन कंसीडर की, एंड देन 2 वाली डायरेक्शन कंसीडर की, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट हमारे बन गए। अब देखते हैं डिफरेंस आपके लिए क्या था, 0 से 0 जाने पर मूवमेंट कहीं नहीं होगा, 0 से 7, इस 0 से 7 पर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स मेरे को आगे मूव करना पड़ेगा, 7 से 0 केवल एक बार में पहुंच जाएंगे, 0 से 5 तक तो 1 2 3 4 5 पर आएंगे, 5 से 4 पर तो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएंगे, 4 से 3 पर भी 7 जाएगा, और 3 से 4 पर सिर्फ 1 जाएगा, और 4 से 2 पर कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जाएगा, ठीक है। और रिवर्स में 2 जो हमारे कंसीडर है, इससे 0 यानी कि इस 2 से 0 पर, तो कितना 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5, तो यहां पर आ जाएगा आपका, हमारा गलत हो गया, 5 पर, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, मेरे को अब निकालना है शेप नंबर, तो शेप नंबर के लिए आप क्या करते हैं, जहां पर भी 0 मिला वहां से आगे एज इट इज लिख दो, तो 0 मुझे शुरू में ही मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे लिए शेप नंबर तो सेम बन गया, सेम शेप नंबर बन गया, अदरवाइज जहां पे 0 मिलता उसके आगे ही सीक्वेंस लिख दे, और फिर बचा हुआ यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो उसके बाद हम लिख देते, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आपने 4 नेबर प्रॉब्लम में भी और 8 नेबर प्रॉब्लम में भी, तो ये बेसिकली क्या बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करने का हमारा प्रोसीजर है, तो अब अगली क्लास में हम लोग बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करेंगे, और बाउंड्री एक्सट्रैक्ट तो कर लिए, हम अगली क्लास में हम अपना किस तरह से हम उसके रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके आगे की चीजें जो भी हमारी यूनिट 5 में है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, ओके, थैंक यू।